जी स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम चार टो मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सोल्व करेंगे जो आपके साइनजी स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं सो लेट्स बिगिन क्वेश्चन बोला है टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसलिस्ट ट्राइंगल आर इच थ्री मीटर लेस देन थ्री टाइम्स द थर्ड साइड फाइंड देंथ ऑफ द साइड इफ पेरी थर्टी सिक्स मीटर तो क्वेश्चन जो बोला है ऐसा मान लेते थर्ड साइड एक्स है तो जो बाकी दोनों साइड है वो थ्री मीटर लेस दैन थ्री टाइम्स थर्ड साइड है सो थ्री टाइम्स दर्ड साइड इज थ्री एक्स माइनस थ्री क्योंकि थ्री लेस है सो so, ये दोनों साइड जो है थ्री एक्स माइनस थ्री हो गया ना पेरीमीटर बोला थर्टी सिक्स इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स एक्स प्लस एक्सी सेवन एक्स सेवन एक्स माइनस सिक्स माइनस थ्री माइनस सिक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू थर्टी सिक्स दस वो टूट अदर साइड सेवन एक्स इज इक्वल टू फोर्टी टू सो आई कैन से एक्स इज इक्वल टू सिक्स अगर एक्स सिक्स है तो पहला साइड सिक्स है बाकी दोनों साइड सिक्स एटीन माइनस थ्री दैट इज फिफ्टीन बाकी दोनों साइड फिफ्टीन एंड फिफ्टीन है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन से Find the value of x if x minus 8 by 5 is equal to x minus 12 by 9. What you do? You cross multiply. So this will become 9x minus 72. 9 is a multiply. Ho 5 is a multiply over. So this will become 5x minus 60. 5x 9x minus 5x becomes 4x. And 72 will go to the other side. 72 minus 60 becomes 12. Now this becomes x is equal to 3. Thank you so much. Let's go to the third question. इवेलुएट वन बाई थ्री होल्ड जीरो माइनस वन माइनस वन बाई फोर होल्ड जीरो माइनस वन होल्ड डू द पावर माइनस वन है ना ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं देखिए है? अगर वन बाई थ्री का पावर माइनस वन है अगर इस ब्रैकेट के अंदर जो भी है इसको अगर हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर प्लस हो जाएगा सो दिस विल बिकम थ्री माइनस फोर होल्ड द पावर ऑफ माइनस वन थ्री माइनस फोर इज माइनस वन टू द पावर ऑफ माइनस वन सो दंसर इज माइनस वन लेट्स गोड द लास्ट क्वेश्चन दिस इज ए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन